नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी पाथफाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। निवेदन है, हमारे चैनल पर आप प्रथम बार हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे शिक्षा जगत संबंधी जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हो हमारे चैनल के माध्यम से ताशीघ्र आपको प्राप्त हो सके। जैसा कि आज के समाचार पत्रों में सबसे महत्वपूर्ण सूचना कुछ इस प्रकार से है। पहली सूचना है एल टी ग्रेड परीक्षा को लेकर के। दो चरणों में होगी एल टी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती। चरण में प्रथम चरण में भर्ती की व्यवस्था समाप्त करने के लिए निर्णय लिया गया। कुल मिलाकर के जब एल टी ग्रेड की भर्ती पिछली हुई थी तो आपने देखा था कि एक परीक्षा के माध्यम से भर्ती कंप्लीट हो गई थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं रहेगा। इस बार दो परीक्षाएं कराई जाएंगी, प्री और मेंस। प्री और मेंस के बेस पर जो अभ्यर्थी हैं उनका अंतिम चयन किया जाएगा। पहले मेंस नहीं शामिल था, सिर्फ प्री था। अब जो है मेंस भी शामिल कर दिया गया है। इसके बाद जो है आगे की प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी। चार साल पहले 10,000 पदों पर भर्ती के लिए एक चरण में हुई थी परीक्षा। एक चरण की परीक्षा पेपर आउट होने या अन्य गड़बड़ियों की आशंका बनी रहती है। इसी को ध्यान में रखते हुए कुछ दिनों पहले आयोग ने निर्णय लिया था कि अब एल टी ग्रेड की परीक्षा दो चरणों में कराई जाएगी। तो यह भी कारण है और कुछ और भी आयोग मंशा बनाए हुए है। और कठिनाई स्तर आप जान ही रहे हैं, एल टी ग्रेड के परीक्षाओं का स्तर ही होता है। पी सी एस के थ्रू ये हो रहे हैं, पी सी एस जॉब के थ्रू इसमें जी एस वगैरह भी रखे जाते हैं, तो एक अच्छा स्तर होता है। आप सभी इसकी जब के तैयारी करते रहें। 5,000 अध्याचन अब तक प्राप्त हो चुके हैं एल टी के। जल्द ही इसमें वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। टीयर वन की परीक्षा में पहले दिन 43% उपस्थिति। आप सभी जानते हैं मल्टीटास्किंग एमटीएस की जो परीक्षा है 2021 वो शुरू हो गई है। इसमें पहले दिन कल परीक्षा हुई जिसमें कि लगभग 43% जो अभ्यर्थी हैं वो उपस्थित रहे। एमटीएस की जो परीक्षा है वो जो है लगातार जारी रहेगी और 2-3 चरणों में होनी है। और ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। आप देख रहे हैं परसेंटेज बहुत डाउन है, 43% ही अभ्यर्थी पहुँच पाए हैं एग्ज़ाम सेंटर पर। वहीं अगली जो महत्वपूर्ण न्यूज आ रही है वो ग्रुप डी परीक्षा के सिलेबस को लेकर के है। जैसा कि आप सभी जानते हैं सिलेबस को लिमिटेड दे दिया गया है, किंतु जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो प्रश्न जो है संख्या ज़्यादा हो सकती है। प्रश्नों की जो मेथड हैं, तरीके हैं, वो अलग हो सकते हैं। वेन डायग्राम दे दिया गया तो वेन डायग्राम से कौन सा क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा ये निश्चित नहीं होता है। तो उसको लेकर के विशेषज्ञों की माने तो रवि सिंह हुए, वागेश पांडे जी हुए, आदि इन लोगों के माध्यम से यह बताया जा रहा है कि अभ्यर्थी ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करें, उनका जो है यह जो समस्या है वो समाप्त हो जाएगी। वहीं 109 केंद्रों पर आज होगी बीएड की प्रवेश परीक्षा। तो यह 109 केंद्र आपके प्रयागराज के हैं, बाकी अन्य केंद्रों पर भी परीक्षाएँ हो रही हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं इसमें मास्क जो है और सैनिटाइजर रखना ये अनिवार्य किया गया था। साथ ही आपको फेस की जो रीडिंग है उसको लेने के लिए स्कैनिंग फेस की भी की जाएगी, आपके एडमिट कार्ड की भी की जाएगी, बार कोड जो आंसर की आप लगाए होंगे उसकी स्कैनिंग की जाएगी, ताकि जो है आगामी जो भी व्यवस्था हो उसमें धांधली ना कर सके। वहीं अगली महत्वपूर्ण अपडेट है असिस्टेंट प्रोफेसर के 917 पदों पर जल्द आएगी भर्ती का विज्ञापन। आप सभी जान दे रहे हैं कि अब नई जो है डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती की तैयारी जोर शोरों से चल रही है। कुल 917 पदों पर भर्ती प्रक्रिया संपन्न होनी है, जिसका कि सूचना कल के समाचार पत्रों में दिया गया था। तो इसके आप इंतज़ार करें, जल्द ही आपको यह भर्ती देखने को मिलती है। वहीं डीएलएड 2022 में आवेदन की संख्या बढ़ेगी अंतिम तिथि। तो आप देखेंगे कि आयोग है वो थोड़ा सा देख रहा है कि आवेदन की संख्या कम आया है, तो जिसको लेकर के इसकी जो तिथि है उसको बढ़ाई जा सकती है, जिससे कि अभ्यर्थी ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आवेदन कर सकें। अभी तक की स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही है। बीएड के शामिल होने के कारण ज़्यादातर अभ्यर्थियों का जो रुझान है वो बीएड की तरफ हो जाता है और बीटीसी कोई करना नहीं चाहता। वहीं updl.gov.in इसकी वेबसाइट है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने भेजा है प्रस्ताव, आवेदन तिथि 15 दिन बढ़ाने की गई है सिफारिश। तो 15 दिन अगर आवेदन बढ़ जाता है तो और भी अभ्यर्थी जो कि नहीं आवेदन कर पाए हैं उनको मौका मिल पाएगा। वहीं एक और सूचना प्राप्त हो रही है, कल नोटिस जारी की गई थी, समस्त अपर मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन। विषय है सरकारी सेवाओं में दक्षता सुनिश्चित करने के लिए सरकारी कर्मचारियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति हेतु स्क्रीनिंग। आप सभी जानते हैं कुछ दिन पहले अभी दिल्ली में यही मामला उठा था और जो बहुत से ऐसे हैं कर्मचारी जिनको कि जबरन रिटायरमेंट दिया गया था, वैसे ही कुछ स्थिति अब उत्तर प्रदेश में भी आने को है। उसी के लिए नोटिस भेजी गई है। 50 साल जिनकी उम्र हो चुकी है उनको जो है दक्षता सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। दक्षता सुनिश्चित ना होने पे उनको बाहर कर दिया जाएगा। जीव विज्ञान 2011 के जो परिणाम हैं उसको लेकर के चयन बोर्ड उलझा हुआ है। आप सभी जानते हैं कापियाँ भीग गई थीं जिसकी वजह से ख़राब हो गई और रोल नंबर आदि काउंट करने देखने में सारी चीज़ें में दिक्कत होने लगी। तो यह एक बड़ी समस्या के रूप में आयोग के सामने समस्या आई है। 2011 की वैकेंसी तो बायोलॉजी की है जो कि 2022 तक परिणाम जारी न करने की स्थिति में है क्योंकि इनके पास रिकॉर्ड नहीं है। अब एक बड़ी समस्या है, इसका निदान क्या रहती है, अभी कुछ कहा नहीं। 2011 से संबंधित वो हम आपको अपने चैनल के माध्यम से आपको यथाशीघ्र अवगत कराएंगे। इन्हीं सारी महत्वपूर्ण अपडेट के साथ सूचना सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।